क्या आप चाहते हो फोटो एडिटिंग करना, क्या आप बहुत नाराज हो कि अच्छा फोटो एडिट नहीं कर पाते हो, तो गाइस हमारे वीडियो को बने रहना और अच्छे से अच्छे पूरा फुल टाइम देना गाइस, पक्का आप सीखोगे, एकदम सीखोगे गाइस, तो हमारे वीडियो को मिस मत करना गाइस। और न्यू हो हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना गाइस, तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए गाइस, बाकी मैं वीडियो पक्का अपलोड करूँगा पर डे, आपको अच्छे से अच्छे समझाने का कोशिश करूँगा गाइस। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। और हाँ भाई, हमारा एक भाई का यूट्यूब चैनल है जो कि उस फोटो एडिटिंग बहुत अच्छा करता है, उस चैनल का नाम है ओम फोटो एडिटिंग। अगर आप एक बार जाके विजिट जरूर करना और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ओपन करना है। पिक्सार्ट ओपन करने के बाद प्लस का आइकन क्लिक करना है, क्लिक करना है और मैं अपना बैकग्राउंड जो ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। मैं इस बैकग्राउंड पे जो फोटो लगाने वाला हूँ, ठीक है, तो आपको ये मैं लिंक दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना फ़ोटो जो ऐड करेंगे, तो अपने ऐड फोटो में गया और फोटो के यहाँ पे सॉरी तो मैं इस फोटो को ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ मैं अच्छे से ऐड कर लेता हूँ, तो ऐसे यहाँ हमारा फोटो ऐड हो चुका है, ठीक है। इसको मैं डन करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे कुछ पेंट है तो फिर से ऐड फोटो में गया, उसके बाद फिर से वो मैं प्रिंट ले लेता हूँ, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 यहाँ प्रिंट ऐड किया, ठीक है। मैं इसका भी लिंक दे दूँगा, जाकर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूँगा अच्छे से, उसके बाद ज़्यादा फालतू दिख रहा है इस साइड में, यहाँ पे मतलब बैकग्राउंड से मैचिंग नहीं कर रहा, तो इसको आप इरेज कर लेना, ठीक है। बस आपको मैचिंग यहाँ पे दिवाना है, पता नहीं चलना चाहिए। तो वैसे आप देख सकते हो कि यहाँ मैचिंग हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा फेस पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हल्का हल्का फेस का डाल दूँगा, तो भी ज़्यादा नहीं लगे, बस हल्का। तो वैसे यहाँ पे देखो कि हमारा एक सेट हो गया है, चलो दूसरा मैं सेट करता हूँ, तो वैसे भी इसको भी सेट करूँगा यहाँ पे, तो वैसे ये भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी इरेजर पे क्लिक करूँगा, फिर इसको भी फालतू यहाँ पे डन हटा दूँगा, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे इसको भी सेट कर लिया, यहाँ पे डन कर लिया, और इसको भी यहाँ पे थोड़ा सेट कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप घुमा घुमा के अपना सेट कर लेना ताकि अच्छा लगे, बेस्ट लगे। तो मैं इसको यहाँ पे नीचे ही सेट करूँगा, उसके बाद इरेजर पे क्लिक करूँगा और इसको हटा दूँगा। तो गाइस ऐसे ही आपको भी करना होगा। तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो जो है यहाँ पे हो चुकी है, बस लास्ट एक वन बचा हुआ है, इसको भी मैं डन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेट कर लूँगा, ठीक है। इसमें हल्का सा यहाँ पे सेट कर लूँगा, ठीक है, और फिर से इरेजर पे क्लिक करूँगा और बाकी जो फालतू उसको मैं हटा दूँगा, ठीक है। तो फेस पे कुछ ज़्यादा नहीं रखना है, बस थोड़ा थोड़ा रखना है। यहाँ से भी ये ब्लैक वाला डाल दूंगा। तो वैसे देखो यहाँ पर हल्का पता चल रहा है, इसको मैं मैनेज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर हल्का हल्का यहाँ पे इसको, ज़्यादा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आराम से यहाँ पे देखो। और तो फोटो यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन लग रहा है, इसको यहाँ पे डन कर लूँगा। डन करने के बाद अब फोटो के यहाँ पर थोड़ा कुछ क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्रॉप कर लेता हूँ, तो गाइस देखो यहाँ पे क्रॉप कर लिया। उसके बाद एक PNG है, मैं उसको भी यहाँ पे ऐड फोटो में जाकर उसको लगा देता हूँ, तो हमारा ये PNG इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको छोटा करके यहाँ पे लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे डन किया, उसके बाद जाऊँगा ड्रा में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ इसका जो है ना इस साइड बनाऊँगा, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करना और इस पर क्लिक करना, यहाँ पे स्लाइड करना, आप फुल पे यहाँ पे सेट कर देना, उसके बाद यहाँ पे इसको घींच देना, ठीक है। सॉरी गाइस ये वाला तो नहीं करना था, बट गलती हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, हमको राउंडिंग वाला करना था, सॉरी ये वाला करना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डन कर लिया,
ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, इसको हल्का सा कम कर दूँगा, फिर इसको यहाँ पे अच्छे अच्छे से लाकर सेट कर दूँगा ताकि ये शैडो बने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी डन कर लिया गया। तो गाइस उसके बाद अब क्या करना है कि कुछ हेयर स्टाइल में देख लो कि यहाँ पे पता चल रहा है, तो इसको मैं जाके ऑटोडेस्क में जाके इसको हेयर स्टाइल बनाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना गाइस। तो चलो यहाँ पे थोड़ा इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तीन डॉट पे क्लिक करके सेव इमेज यहाँ पे सेव कर लिया गाइस। तो चलो ऑटोडेस्क में मिलते हैं, इसको काट कर, ठीक है, पॉज करते वीडियो को। तो गाइस देखो यहाँ पे तो मैंने आ चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको हेयर स्टाइल भी थोड़ा बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद आपको इस ब्रश पे क्लिक करना है, और सेटिंग जो है वही रहेगा, ठीक है। बस आप यहाँ से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे साइज़ जो है वही रहेगा, उसके बाद यहाँ पे आप जितना हेयर है उसको मैं बड़ा पहले कर लूँगा, ठीक है। ये तो इसका काम हो गया, और उसके बाद मैं चलता हूँ दूसरे ब्रश पे। तो गाइस फिर से इस पर क्लिक करूँगा, और उसके बाद आपको कौन सी ब्रश चॉइस करना है, आपको ये वाली ब्रश को चॉइस करना होगा, ठीक है। तो मैं इसका ब्रश ले लिया, उसके बाद फिर चलता हूँ सेटिंग पे। तो सेटिंग देख लीजिए, एकदम सेम सेटिंग आपका यही रहेगा, बस आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो फिर से मैं इसको अच्छे से हेयर अप यहाँ पर क्या करूँगा, निकालूँगा, ठीक है। आप देख सकते हो कि हमारा जो हेयर स्टाइल है कितना बेहतरीन लग रहा है। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइनिंग मतलब यहाँ से निकालूंगा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा लाइनिंग में निकालूंगा कट। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रश को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। तो आपको कभी भी मतलब लाइनिंग करना होगा तो आप इस वाले ब्रश को चॉइस कर लेना, ठीक है गाइस, ठीक है। आप इसको या इसको चॉइस कर सकते हो, तो मैं इसको ही कर दूँगा अभी, इस यही ब्रश को चॉइस करना, ठीक है। तो यहाँ सब साइज़ को छोटा कर लेना, ठीक है, बाकी सेटिंग सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बड़ा फ़ोटो जूम कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे से घूम, आप देखो कि हमारा यहाँ हो चुका है, हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस इसको मैं अब क्या करूँगा, थोड़ा अब लाइटिंग इसमें जाकर लगाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लाइट सेटिंग करना है। तो अब सीधा करना है आपको लाइट रूम में जाने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से मैं फ़ोटो को सेव कर लेता हूँ, फिर मिलता हूँ लाइट रूम में। इसको मैं यहाँ पर सेव कर लिया, गाइस हमारा फ़ोटो सेव हो रहा है। तो यहाँ पर मेरा फ़ोटो सेव हो गया, ठीक है। आप यहाँ शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक किया और लाइट रूम में यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। तो फिर चलता हूँ लाइट रूम में। तो गाइस आप देख सकते हो कि हमारा फोटो जो है लाइट रूम में आ चुका है। तो इसको मैं अब क्या करूँगा, पहले इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, आप भी ऐसे ऑन कर लेना, ज़्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो कलर सेटिंग है, यहाँ पे मैं सेटिंग मिला लेता हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से सेट करना गाइस, ठीक है। वाइट को मैं बढ़ा लिया, ब्लैक को देख लेता हूँ क्या मिलता है कि नहीं, तो ब्लैक हल्का अपना बढ़ा लूँगा। उसके बाद चलूँगा सीधा कलर सेटिंग पे। अब यहाँ पे रेड है, तो रेड को हल्का सा इसको मैंने रखूँगा ऐसे, और इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, थोड़ा अभी ये इस पर जाऊँगा, इसको भी हल्का सा देख लेता हूँ, ये हल्का सा इधर रखूँगा मैं, इसको हल्का इधर करूँगा, इसको अब डार्क कर सकते, हल्का सा मैं वाइट रखूँगा, ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करना, फेस पे अपना थोड़ा लाइट लाना, तो फेस पे यहाँ से लाइट में ला लेता हूँ, ठीक है गाइस, हल्का सा, ठीक है। तो इसमें यहाँ से डन करता हूँ, फिर सब इसको अब यहाँ से आकर मैं इसको भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको हल्का सा यहाँ पे
गाइस यहाँ पे देखो हमारा जो फोटो है रेडी हो चुका है। उसके बाद कुछ इस पे जाऊँगा और इसको भी मिला लूँगा, क्लियरिटी पे दे देता हूँ। यहाँ पे देने के बाद इसको मैं इसको भी थोड़ा मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो अब भी ऐसे ही करना है गाइस, ठीक है। उसके बाद थोड़ा मैं फेस को स्मूथ करने वाला हूँ, तो यहाँ पे जाकर फिर इसको भी यहाँ पे ओके कर लूँगा। उसके बाद इसको भी यहाँ से बढ़ा लूँगा, इसको भी यहाँ पे बढ़ा लूँगा। तो गाइस हमारा फोटो जो है डन हो चुका है, ठीक है, रेडी हो चुका है। तो आप मेरा फोटो देख सकते हो गाइस, देखो इस फोटो कितना बेहतरीन लग रहा है, देखो गाइस। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना एकदम मत भूलना गाइस। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।